इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स अब देखो ये भी मेरा वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो इसमें मेरा ना तो ई एक्स का लगेगा ना एक्स एन न तो मैं इसमें ई एक्स लगा सकता न मैं इसमें एक्शन लगा सकता और ना ही में एक्स ये तीनों फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है तो ये आपका लॉग से होगा तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो, तो वा, लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका तो एक्स इसका आपका वन अपॉन एक्स और लॉग एक्स और एक्स का वन तो मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपका इक्वल हो जाएगा वाई इधर आ जाएगा वाई इज़ एक्स टू पावर एक्स तो देन राइट एक्स टू पावर एक्स एंड वन प्लस लॉग एक्स तो ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट आपका है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द रूट ऑफ दिस टू द पावर एन वाई तो अब देखो यहाँ पर ये मेरा बेस वेरिएबल है और ये पावर कॉन्स्टेंट है तो मेरा एक्स एन का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें तो डिफ्रेंशिएट देन यू विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एन वे यहाँ पर होगा आपका एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन अब जिसको आपने एक्स लिया था तो ये आपका एक्स था तो इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको ब्रैकेट में रखोगे आप एक्स का आपका वन हो जाएगा प्लस इसका आप रूट का रूट एक्स का वन अपॉइन्ट टू रूट एक्स तो ये मैंने आपका इस तरह से कर दिया अब चेन रूल से वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू टू एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अब मैं साथ साथ सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका एन हो जाएगा ये एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन बट राइट एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हेयर इन दिस वे क्योंकि माइनस वन है तो इससे पावर डिवाइड हो जाएगी अब मैं इसका एल्सियम लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ये मेरे पास होगा अब इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू मेरी y के इक्वल है इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा तो एन वाई अपॉन वन प्लस एक्स पर का रूट ये इसका आंसर हो जाएगा इट विल बी वाई डेस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड एक्स कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई अब देखो ये मेरा यहाँ वाई के टर्म्स हैं और यहाँ मेरा एक्स का केवल एक है मीन्स ये आपका एक्सपिलसिट फंक्शन बन जाएगा तो मैं इसको एक्स को ये लिख सकता हूँ कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई मैंने इसको ये लिख दिया अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई आपने विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई कोशियन रूल में आपका डिनोमिनेटर कॉपी होगा ए प्लस वाई अब न्यूमरेटर का आपका माइनस साइन वाई क्योंकि वाई के रेस्पेंट करें तो इसलिए वाई का वन हो जाएगा माइनस कॉस वाई और इसका माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई और चेन रूल से ए प्लस वाई का आपका वन हो जाएगा देन डिनोमीटर होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अब देखो यहाँ पर यह फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो साइन ए माइनस बी तो आपका साइन ए माइनस बी ए ए प्लस वाई बी इज वाई तो ए प्लस वाई से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई पर आपने फाइंड आउट करना था डी वाई डी एक्स तो आपका रेसीप्रोकल के देर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए ये इसका आपका आंसर होगा नेक्स्ट आपको केवे ने बाई इजल टू ई ए एक्स कॉस बी एक्स तो देखो आपका ये ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका टेक्नोमेटिक फंक्शन है दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू ई एक्स आपने कॉपी किया कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स और चेन रूल से बी एक्स का बी अब आपने प्लस कॉस बी एक्स कॉपी किया और आपका ई e एक्स का आपका ई e एक्स और चेन रूल से ए तो आपका ई e एक्स कॉमन निकाल दोगे तो आपका यहाँ से बचेगा एक्स e और इन टू यहाँ पर आपका इसका डेरिवेटिव ए और है आपका चेन रूल से तो मैंने ई एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस बी साइन बी एक्स और यहाँ से बचेगा प्लस ए ये पहले मैंने लिख दिया ए कॉस बी एक्स ये इसका आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट आपका है फिफ्थ साइन लॉग एक्स तो ये आपका ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है साइन एक्स पर ये दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो अब देखो यहाँ मुझे डबल डेरिवेटिव करना है तो मैंने इसको लिया तो पहले डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का आपका कॉस एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स अब मैंने इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स वाई डैस प्लस कॉस लॉग एक्स इज इक्वल टू अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका x y डबल डैस प्लस वाई डैस कॉपी किया तो x का वन इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स अब x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई डबल डैस प्लस एक्स वाई डैस और ये आपका बन जाएगा y तो माइनस वाई का ये इधर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो ये आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट है कि ए कॉस टी एंड वाई साइन टी तो ये आपका पैरामेट्रिक है आप इसको डिफ्रेंश को टी के रेस्पेक्ट में दोनों को तो डी एक्स अपॉन डी टी इट विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ए थ्री कॉस स्क्वायर टी और इन टू साइन टी माइनस का हो जाएगा ये अब इसका वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये आपका ए थ्री साइन स्क्वायर टी और इन टू कॉस टी अब डी वाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू यहाँ पर आपका थ्री ए दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो ये थ्री ए साइन स्क्वायेर टी कॉस टी अपॉन ये आपका माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी तो आपका थ्री ए से ये थ्री ए कैंसिल होगा एक साइन से ये साइन कैंसिल होगा एक कॉस से कॉस होगा इट मीन्स माइनस टेन टी तो ये इसका आंसर होगा आप नेक्स्ट इफ़ वाई इजकअल टू साइन इनवर्स अब देखो ये आपका इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन को सबसे पहले आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तो यहाँ मैंने पुट एक्स इज इक्ल टू साइन थीटा पुट कर दिया है तो आपका ये वाई इजकल टू इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू साइन थीटा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा तो ये आपका हो जाएगा साइन टू थीटा तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा इट मीन्स इट विल बी टू थीटा एंड थीटा इज साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स एंड डिफ्रेंशिएट दिस तो डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट आपका सेम ये भी इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ x को आप tan थीटा पुट कर दोगे इस केस के लिए एक्स को आप टेन थीटा पुट कर दो तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर आपका सेक थीटा, बन, सेक थीटा, सेक थीटा वन सेक स्क्वायेयर थीटा मीन sec थीटा हो जाएगा माइनस वन अपऑन टेन थीटा और ये आपका बाहर टेन इनवर्स अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो, अपॉन तो वन अपॉन कॉस तो ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन इनवर्स अब वन माइनस कॉस इसमें मैं कॉस टू का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू मैंने कॉस टू का फॉर्मूला यूज किया है और इसमें साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू तो आपका टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक साइन से साइन टेन तो इट मीन्स इट विल बी थीटा बाई टू और थीटा आपने पुट किया था टेन इन एक्स तो मीन्स वन अपॉन टू टेन इन एक्स एंड डिफ्रेंशिएट सो डी वाई डी एक्स इट विल भी इक्वल टू हाफ वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट आपका है ये भी देखो इन्वर्स फंक्शन है इसको भी मुझे सिम्पलेस्ट करना है तो यहाँ से आप टेन कॉस कॉमन निकालो तो इट विल बी वाई जुक्ल टू आपने कॉस एक्स कॉमन निकाला तो वन प्लस टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपने यहाँ से कॉमन निकाला तो वन माइनस टेन एक्स और इसके बाद आपका चल रहा है टेन इनवर्स अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका वन प्लस टेन एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू टेन इन वर्स ये आपका टेन पाई वाई फोर है टेन एक्स है मीन्स टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पाई वाई फोर प्लस एक्स अब टेन से आपका टेन हट जाएगा मीन्स वाई इज इक्वल टू पाई वाई फोर प्लस एक्स और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन ये आपका इसका आंसर होगा अब डिफ्रेंशिएट सेक एक्स विद टेन एक्स तो आपने यदि सपोज करो सेक एक्स को आपने यू ले लिया है और टेन एक्स को आपने वी ले लिया है तो आप कह रहे हो कि डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस इट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड डी यू अपॉन डी वी इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है तो ये आपका देखो पैरामेट्रिक बन गया तो फर्स्ट में आप इसका डी यू अपॉन डी एक्स निकालो सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अब मैं इसको डी यू अपॉन डी एक्स तो दोनों को आपने डिवाइड करना है तो देन डी यू अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स तो आपका ये सेक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा साइन अपॉन कॉस साइन अप कॉस और ये आपका हो जाएगा दैट विल बी ओनली साइन एक्स सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट आपका डिफ्रेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स विद दिस सेम पोट यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डिफ्रेंशिएट डी यू अपॉन डी एक्स सो टू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस मैंने ये डाल दिया अब आपका ई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स अब आपने इसको इसके रेस्पेक्टिव मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स तो डी यू अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स और डिवाइडेड बाई ई एक्स ये आपका इसका आंसर होगा नेक्स्ट इफ़ वाईज इक्कअल टू टेन इन दिस अब देखो यहाँ पर सेम आपका यहाँ पिछले में आपने पुट किया था यहाँ पर देखो मेरा टेग्नोमेटिक पार्ट है इट मीन्स वाई इज इक्ल टू यू कैन राइट दिस टेन इनवर्स वर्स कॉस टू का फॉर्मुला अप्लाई किया तो टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू और आपने यहाँ साइन टू का अप्लाई किया तो टू साइन एक्स वाई टू एंड कॉस एक्स वाई टू अब आपने साइन एक्स वाई टू कॉस सिंपल करेंगे तो ये कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा देन इट विल बी कॉट और बाहर मेरा टेन है इट मीन्स दिस कैन विल रिटन टेन पाई वाई टू माइनस एक्स वाई टू तो ये आपका कॉट हो गया टेन से कैंसिल हो जाएगा मीन्स यू है वाई इज इक्ल टू पाई वाई टू माइनस एक्स वाई टू एंड डिफ्रेंशिएट देन वाई डैस इज इक्ल टू माइनस हाफ तो ये आपका इसका आंसर होगा सेम आपने यहां पर देखो साइन का फॉर्मूला बनाना है तो x को आप जो है कभी भी ये नंबर आपका फाइव ट्वेल्व और ये आपका पाइथोकोन ट्रिपलेट है और यहां आपको भी कॉस या साइन देगा जब कॉस दे रखा है तो अंदर आपने कॉस का फॉर्मूला बनाना है साइन दे रखा है तो आपने अंदर जो है साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन के फॉर्मूला के लिए मैं एक्स को यहां पर साइन थीटा पोर्ट करता हूं तो आपका ये हो जाएगा वाई इजल टू साइन इनवर्स फाइव साइन थीटा प्लस ट्वेल्व थीटा अपॉन थर्टीन अब इसको फाइव अपॉन ट्वेल्व को अलग कर दोगे और ट्वेल्व अपॉन थर्टीन को अलग कर दोगे तो फाइव अपॉन ट्वेल्व को तुम कॉस अल्फा मान लेते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा क्योंकि ये आपका है तो ये आपका फाइव अपॉन थर्टीन आपने फाइव अपॉन थर्टीन को यदि साइन कॉस अल्फा लिया है तो आप ट्राइंगल बना के यदि मैंने ये एंगल लेके ट्राइंगल में फाइव अपॉन्ट थर्टीन तो ये आपका ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन्ट थर्टीन आपका साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा पुट करना है और ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फा क्योंकि मुझे यहाँ कॉस कॉस का नहीं साइन का फॉर्मूला बनाना है क्योंकि मेरा बाहर साइन है कॉस का होता है तो आप कॉस बना सकते हो तो आपका ये साइन ए प्लस भी बन गया तो साइन इनवर्स वर्स साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन से साइन अट जाएगा मीन्स थीटा प्लस अल्फ़ा सो थीटा तो आपने साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका और अल्फा आपने इसको कॉस लिया था तो कॉस इनवर्स फाइव बाई थर्टीन अब डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इनवर्स का 1 1 x का रूट और ये आपका कांस्टेंट का जीरो मींस दिस विल बी आंसर अब देखो यहां नेक्स्ट है टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स अलग अलग आपके हैं तो इसको भी हम टेन इनवर्स तो ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स हो जाएगा ये क्योंकि कॉटेको में वन अपॉइंट टेन लिख सकता हूँ इसमें से तो टेन इनवर्स करके एंगल का रेसिप्रोकल इट मीन्स यू हैव वाई इज इक्ल टू टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे देन वाई डैस इज इक्ल टू टू आपका बाहर होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन का होली स्क्वेर वन प्लस दिस ई आपका टेन का हो गया और इनटू चेन रूल से आपने इनटू टू एक्स प्लस टू कॉपी किया एक्स प्लस वन का वन माइनस एक्स प्लस वन कॉपी किया एक्स प्लस टू का वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अब आप इसको सिंपलीफाई कर दो ये आपका आंसर आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन करना है बस आपने अब आप देखो यहाँ पर वाई जुकअल टू टेन टू सेक इनवर्स अब देखो यहाँ पर ये टू रूट एक्स ये आपका चेन रूल लगेगा तो यहाँ पर मैंने वाई डैस लिया वाई डैस इज इक्वल टू टू आपका बाहर रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स तो ये सेक ई टू एक्स अब चेन रूल से ये मेरा सेक एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको सेक एक्स टेन एक्स तो सेक ई टू एक्स और टेन टू टेन ई टू एक्स ये सेक एक्स का हो सेक एक्स टेन एक्स और एक्स ई टू एक्स तो इसका आपका ई टू एक्स और इन टू मैंने यहाँ पोट कर दिया है तो ये इन में सब कुछ है तो मीन्स y एस जो होगा आपका इस टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा ये टू आपका बाहर रहेगा ई टू एक्स और ये टू आपका तो ये आपका टू ई टू एक्स सेक ई टू एक्स टेन ई टू एक्स और अपॉन रूट सेक ई टू एक्स अब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से रूट आपका ऊपर आ जाएगा और नहीं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑप्शन के आगे बने नहीं वहाँ पर अब यहाँ पर ये वाई इजुक्ल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स अब देखो ये वेरिएबल ये तो लॉग लेंगे तो लॉग वाई टू आपका हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो वन अपॉन वाई और डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आपने कॉपी किया इसका आपका वन अपॉन एक्स लॉग एक्स आपने कॉपी किया इसका माइनस साइन एक्स और वाई से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल बी योर आंसर इसको वाई को आप इधर मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट आपका है वाई इज इक्वल टू एक्स एट दावर एक्स एन एक्सर एट तो यहां पर आपने क्वेश्चन रूल लगाना है देखो ये वेरी कॉन्स्टेंट है ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये है, है तो ए एक्स और एक्स एन का फॉर्मुला लगेगा तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो पहले डिनोमीटर कॉपी किया न्यूमीटर का ए एक्स का होता है आपका ए एक्स इंटू लॉग ए ए मेरा एट है माइनस मैंने एट टो पावर एक्स को कॉपी किया और डिनोमीटर में आपका एट एक्स की पावर सेवन अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर एक्स टू पावर सिक्सटीन अब यहाँ से आपका एक्सो पावर सिक्सटीन है एक्सो पावर सेवन आप कॉमन निकाल सकते हो और इससे कैंसिल हो जाएगा ये और एट एट एक्स भी कॉमन निकल जाएगा आपका तो यहाँ से आपका एट एक्स और एक्स पावर सेवन ये आपने कॉमन निकाल दिया एट एक्स एक्स पावर सेवन तो यहाँ पर एक्स लॉग एट माइनस आपका ये निकल गया तो माइनस एट अपॉन एक्स पावर सिक्सटीन तो इससे आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर एक्स पावर नाइन आपकी ये बचेगी तो ये आपका आंसर होगा इसका डी वाई डी एक्स ये इसका आंसर है अब यहां पर ए एक्स का यहां भी सेम लगेगा आपका तो वाई डेस इज इक्वल टू ए एक्स का आपका ए एक्स लॉग ए इन टू अब चेन रूल से इसका करोगे तो टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस तो माइनस में पहले डाल देता हूं माइनस साइन एक्स इसको आप साइन टू भी लिख सकते हो मीन्स माइनस टू टू आपस स्क्वायर एक्स लॉग टू साइन टू एक्स ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट आपका साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस वन तो यहां पर आप एक्स को टेन थीटा पुट करो टेन स्क्वायर थीटा तो देखो यहाँ टेन स्क्वायर करेंगे तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा आपका तो आप उससे इसको सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा ये और नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर दो इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं इसको ठीक है तो वाई डस इज इक्वल टू चेन रूल लगा देंगे तो वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मेरा आपका वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये ही आपका हो गया होल स्क्वायर ये मेरा पूरा एक्स है स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा इन टू अब इसमें ये आपका रूट है इसकी पावर आपकी हाफ हो जाएगी तो माइनस हाफ वन प्लस एक्स टू पावर माइनस थ्री अपॉइन्ट टू ये इसका आंसर अच्छा हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वन माइनस वन तो रूट में एक्स रह जाएगा खाली सॉल्व करेंगे तो ठीक है और आपका रूट एक्स प्लस वन एलसीएम आपका ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन माइनस वन ये आपका रूट में एक्स हो जाएगा इन ये माइनस ये आपका हाफ ये थ्री बाई टू इधर नीचे आपकी पावर प्लस की हो जाएंगी तो वन प्लस एक्स तो एक कंप्लीट हो जाएगी और एक पर आपका रूट आ जाएगा एक्स प्लस वन तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा मीन्स योर आंसर विल बी वन अपॉन्ट टू वन प्लस एक्स और रूट एक्स ये इसका आंसर होगा अब इसमें सेम आपका जो साइन का फॉर्मूला बनाया था उसी तरह से है तो यहाँ पर x देखो इसमें क्या पहचान होती है कि इसका स्क्वायर इधर होता है और इसका स्क्वायर यहाँ होता है तो ये भी आपका वन माइनस एक्स होगा गलत लिखा है ये ठीक है तो इसका स्क्वायर जो है इधर होगा और इसका स्क्वायर यहाँ होगा तो आप x को साइन अल्फा इसमें x को साइन अल्फ़ा पुट कर दो और रूट एक्स को साइन बीटा पुट कर दो तो आपने x जो यहाँ डाला है वो यहाँ डालना है आपने तो इसको ध्यान रखना है वो यहाँ पड़ेगा और ये वैल्यू आपकी यहाँ पड़ेगी तो x को मैंने साइन अल्फा पुट किया मीन्स यू विल गेट y एस इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा तो कॉस बीटा माइनस यहाँ पर आपने साइन बीटा पुट किया और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का तो वाई सॉरी वाई इजुगल टू साइन ए प्लस बी एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है अब इसमें आपका बाहर साइन इन्वर्स भी चल रहा है इसमें साथ साथ यहाँ भी आपका साइन इनवर्स है तो आपका वाई टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स एक्स है बीटा की वैल्यू आपकी माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स है अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे दैन यू विल गेट वाई डैस इजल टू इसका वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस इसका वन माइनस एक्स रूट में और इन टू वन अपॉइंट टू रूट एक्स ये इसका आंसर होगा वाई डैस अब नेक्स्ट आपका है ये एक्स टा पावर वाई टू पावर एक्स ई एक्स इसका आप लॉग ले दोगे यहाँ से डायरेक्ट तो लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और इसमें मैं वाई को इधर आपके एक्स को इधर लेके जाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स कॉमन निकाल के वन प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई तो एक्स इज इक्वल टू तो वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू वाई क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये वन प्लस लॉग वाई आपने कॉपी किया वाई का वन हो जाएगा माइनस वाई कॉपी किया इसका वन अपॉन वाई हो जाएगा अपॉन वन प्लस वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर अब देखो इसमें वाई से वाई माइनस वन हो जाएगा और वन से वन कैंसिल हो जाएगा आपका तो लॉग वाई इसका रेसिप्रोकल लिख दो यही आपको प्रूव करना है नेक्स्ट ट्राई डीज क्वेश्चन योर सेल्फ वाइजल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड द डी टू वाई अपॉन डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाई जुक्ल टू टेन इनवर्स आप इसको, इसको स्प्लिट कर लेना फाइव एक्स को टू एक्स प्लस थ्री एक्स और यहाँ टू एक्स इंटू थ्री एक्स टेनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ स्क्वायरिंग करके आप इसको सॉल्व करना यहाँ पर आप चेन रूल लगाओगे लॉग एक्स और ये मैंने पीछे भी किया हुआ है और यहाँ पर आपने एक्स को कॉस अल्फा पुट करना है इनवर्स पहले खत्म करना है और ये आपका पैरामीटरिक मैंने ये डिस्कस किए हुए हैं सो ट्राई बीज क्वेश्चंस योर सेल्फ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस एक्स कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स डैन एफ डैस थ्री पाई वाई फोर तो सबसे पहले जो आपके मॉडल्स फंक्शन है इसको आप जो है यहाँ से मॉडल्स हटाएंगे क्योंकि हम मॉडल्स साइन के अंदर ना तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कोई इंटीग्रेशन होता है तो so, अब देखो ये थ्री पाई वाई फोर मीन्स सेकेंड क्वारेंट है तो आपका ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव इट मीन्स इट कैन बी माइनस कॉस एक्स अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और उसके बाद वैल्यू पुट करोगे सेम पाई बाई सिक्स फर्स्ट क्वार्डेंट है इसमें तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इट मीन्स इट विल बी कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स इसक्वायर डिफ्रेंशिएट करो और पाई वाई सिक्स डाल दोगे इसमें आपका चेन रूल लगेगा और आपको ये प्रूव करना है थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स टू चेक योर आंसर और यू कैन आस्क द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट टेलीग्राम ग्रुप मैथ एट द रेट ऑफ 15. Thank you.